हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टू, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो झारखंड में डिप्लोमा का जो सेमेस्टर क्लासेस है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो उनका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस में हो गया है, जिन कॉलेजेस में नहीं हुआ है वह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो भले ही आप लोग का अभी क्लासेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जो है अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कर भी दिए होंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर दीजिए। तो जो आप लोग सेमेस्टर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, भले वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो, तो आप सब अपने लिए कोचिंग सेंटर ढूंढ ही रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो झारखंड के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। देखिए, आप लोग का 42 आवर्स दिया गया है JUT की ओर से ईच क्लासेस, यानी कि हर सब्जेक्ट का 42 क्लासेस होना चाहिए, लेकिन 42 क्लासेस नहीं होता है, 20-30 आवर्स ही क्लासेस होता है, और बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो भी नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर जो है कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर मिल जाए जहाँ पर सेमेस्टर का पढ़ाई होता है और अच्छा पढ़ाई होता है, तो वहाँ पर मैं जाऊँ और अपना जो है स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग जमशेदपुर से हैं या फिर जमशेदपुर के बाहर से भी है, तो आप लोग के लिए कौन सा कोचिंग सेंटर जो है वो बेस्ट रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं वो वहाँ पर क्लासेस। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को जो कोचिंग सेंटर सजेस्ट करने वाली हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है कि और भी कोई कोचिंग सेंटर है जो अच्छा है, जहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन वो सब हमको नहीं मालूम है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ही बता रही हूँ कि कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट है। तो देखिए, अगर आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में है और आप लोग अपने लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग के लिए इंजीनियर्स एकेडमी बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग जमशेदपुर से है तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो जमशेदपुर के बाहर से है, यानी कि झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। इंजीनियर्स एकेडमी में जो क्लासेस होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे ही चलता है, और इंजीनियर्स एकेडमी जो है वो आकाशवाणी आदितपुर जमशेदपुर सरायकेला खरसावा में है। यानी कि अगर आप लोग को पता ही होगा कि आदितपुर जमशेदपुर में है, तो आदितपुर जो पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर, वहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे ही है आकाशवाणी, वहीं पर है इंजीनियर्स एकेडमी, वहीं पर जो है आप लोग का क्लासेस करवाया जाता है, सेमेस्टर क्लासेस। और देखिए, जैसा आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस, जितने भी डिप्लोमा वे ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस का जो है सिलेबस वो सेम ही रहता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सारे ब्रांचेस का वहाँ पर जो है क्लासेस करवाया जाता है। और अगर हम फी की बात करें तो फी ओनली 4500 लगता है, और 4500 मतलब ईच सेमेस्टर। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का सारा सिलेबस आप लोग का 4500 में कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि पर मंथ 4500 लग रहा है, आप लोग का पूरा सेमेस्टर जितना दिन तक चलेगा, जब तक आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग का 4500 लगेगा, मतलब पर सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में भी वैसा ही है कि पूरा सेकंड सेमेस्टर आप लोग का 4500 लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो देखिए जो सेकेंड ईयर होता है, सेकेंड ईयर में आप लोग का सारे ब्रांचेस का जो सिलेबस है वो सेम नहीं रहता, सारे ब्रांचेस का सिलेबस वो अलग अलग हो जाता है, सबका अपना ब्रांच पेपर आ जाता है, और एक दो जो सब्जेक्ट है उसका सेम रहता है, बाकी सब अलग अलग हो जाता है। तो जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो है वहाँ पर मैकेनिकल ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मेटलर्जी ब्रांच, साथ ही CSE ब्रांच, इन पाँचों ब्रांच का वहाँ पर क्लासेस करवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड ईयर से आप लोग का फी थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब क्या बहुत ही कम है, मतलब 4600। फर्स्ट ईयर में आप लोग का कितना लग रहा था, 4500, तो सेकेंड ईयर से आप लोग का लगेगा 4600। मैकेनिकल CSE ECE इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, और आप लोग का इलेक्ट्रिकल के लिए 4600 है, और जो मेटलर्जी ब्रांच है, मेटलर्जी ब्रांच के लिए आप लोग का है 4800, क्योंकि मेटलर्जी में एक सब्जेक्ट है ECE यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस थोड़ा मतलब हाई है, तो इसीलिए उसके लिए बस 200 बढ़ाया गया है, 4800 लगेगा आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में। उसके बाद आप लोग जब आगे आगे सेमेस्टर जाएंगे तब भी आप लोग का इन्हीं ब्रांचेस का पढ़ाई होगा।
हाँ फी जो है आप लोग का थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन वही 5,000 के अंडर ही रहेगा। मतलब 5,000 के, 5,000 से ज़्यादा जो फी है वो नहीं लगेगा, जो भी फी लगेगा वो 5,000 से अंडर ही लगेगा 6 सेमेस्टर तक आप लोग का। यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट से 6 सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक पढ़ना चाहते हैं तो इंजीनियर सेकेंड में आप लोग के लिए बेस्ट है। आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कीजिए, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो कर सकते हैं। उसके बाद जो इंजीनियर्स एकेडमी में है, आप लोग का टाटा स्टील जेट का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है, D2D यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री का भी प्रिपरेशन कराया जाता है। उसके बाद 11 और 12 का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इन सब का प्रिपरेशन करें तो भी आप लोग के लिए इंजीनियर्स एकेडमी बेस्ट है। मैं टाटा स्टील जेट जो है वहाँ से, मतलब हम जिनको जानते हैं, हमारे सीनियर्स जो है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स का जो है वहाँ पर, वहाँ से पढ़ के ही उन लोग का टाटा स्टील जेट में सिलेक्शन हुआ है। और हाँ, पढ़ना तो खुद से भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि सारा हम लोग कोचिंग के भरोसे छोड़ देंगे, खुद से भी पढ़ना पड़ता है तभी कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, वो आप लोग के लिए जो है बेस्ट है इंजीनियर्स एकेडमी। हाँ, तो मुझे अच्छा चीज़ यही लगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लासेस करवाया जाता है। उसके बाद जो आप लोग का प्लेसमेंट होता है कॉलेज से, उसके लिए भी स्पेशल गाइडेंस दिया जाता है। फिर आप लोग को जो है वहाँ के जो टीचर है वो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है। उसके बाद जब आप लोग वहाँ जाइएगा तो टीचर भी आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को वहाँ जाने से। तो अगर आप लोग किसी भी डिप्लोमा के किसी भी सेमेस्टर में है, और या फिर आप लोग D2D टाटा स्टील जेट या फिर 11 और 12 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंजीनियर सेकेंडरी में आप लोग के लिए बेस्ट है। मैं एक बार फिर से सेमेस्टर जो क्लासेस है उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बोल देती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो है क्लासेस करना चाहते हैं तो 4,500 और ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैकेनिकल, ECE, इलेक्ट्रिकल और CSE के लिए 4,600 और मेटलर्जी के लिए 4,800। उसके बाद आप लोग जब आगे सेमेस्टर जाइएगा तो वो भी उतना ही लगेगा, बस मतलब अंडर 5,000 के अंडर ही लगेगा, उसके बाहर नहीं लगेगा। और बाकी और भी जो है फी स्ट्रक्चर वो भी आप लोग जब वहाँ पर जाइएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसका जो प्लेस है ये एग्जैक्ट है आकाशवाणी आदितपुर, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा में। आप लोग को कुछ भी डाउट है तो नीचे मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप लोग वहाँ के टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सारा डाउट पूछ सकते हैं। और भी कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, साथ डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।